असल वरम्व वबरक अलहमदिल्ल रबी वसलात वसला रसूलमीन वल वबी ही अजमीन अम्माबाद नाजरीन आई प्लस दीनी हेल्पलाइन में आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में हम आपके सवालात के जवाब पेश करते हैं अगर आप भी अपने सवालात हम तक भेजना चाहें और हमसे उनके जवाब हासिल करना चाहें तो आप स्क्रीन पर जाहिर होने वाले नंबर को नोट फरमा लें और इस नंबर पर आप अपने सवाल हमको इशार करें आप इस नंबर पर तीन तरह सवाल भेज सकते हैं आप चाहें तो अपना सवाल वीडियो में रिकॉर्ड कर लें और इस नंबर पर भेज दें या आप चाहें तो ऑडियो की शक्ल में अपना सवाल रिकॉर्ड कर लें और हमें इस नंबर पर भेज दें <meglio> या आप चाहें तो लिख कर तहरीरी शक्ल में अपना सवाल हमें भेज दें लेकिन याद रहे कि वीडियो और ऑडियो की शक्ल में जो सवालत हमको मसूल होते हैं हम उन्हें जवाब के लिए पहले चुनते हैं इसलिए आप कोशिश करें कि इसी तरह से सवालत हमको भेजें हमारा मकसद ये है ताकि आदमी वही सवाल पूछे जिसकी उसे ज़रूरत हो क्योंकि वीडियो में आइडियो में वही सवाल भेजेगा जिसको आमतौर से उसकी ज़रूरत हो और लिखने में आदमी कुछ भी लिखता चला जाता है और बहुत सारे सवाल होते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो और आडियो ही के सवाल हों और हम उन्हें पहले नंबर पर तरजीह बुनियाद पर लेते हैं उनके जवाब आपको देते हैं अलबा ख़ातन इससे मुस्तना हैं उन्हें वीडियो या आडियो में सवाल देने की जरूरत नहीं है अलबत् वो अपने मेल रिश्तेदार के जरिए अपना सवाल वीडियो में या आडियो में रिकॉर्ड करा के भेज सकते हैं तो इन तीन तरह से आप अपने सवाल हम तक तो भेज सकते हैं साथ ही ये भी गुजारिश है कि सवाल पूछते हुए सवाल पूछने के जो आदाब होते हैं उनका भी पासो लिहाज रखें खास तौर से ये बात कि आपका सवाल बहुत ही मुख्तर हो कम से कम अल्फाज में बहुत लंबा ना हो इसी तरह आपका सवाल बा मकसद हो उसका कोई माना हो उसका कोई मतलब हो जो ही बिला वजह और बेकार के सवाल न करें इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और अपने इलाक़े का नाम भी आप बताने की कोशिश करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं कहीं से भी आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं हमारी कोशिश होगी कि इन सवाल का जो सही जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में बनता है वो हम आप तक पहुँचा दें तो नाजरीन आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं आज हमारे पास सबसे पहले जो सवालत हैं वीडियो की शक्ल में उनको देखते हैं देखते हैं पहला सवाल क्या है असल वरहत ला शेख मेरा सवाल बालों के ताल्लुक से था अब दाऊद की फोर वन नाइन फाइव की हदीस के अंदर रसोल्ला सल्ला वसलम ने एक बच्चे को देखा उसके कुछ बाल मुंडे हुए थे और कुछ बाल छोड़े हुए थे तो आप वसल्लम ने उससे कहा कि या तो पूरा छोड़ दो या फिर पूरा मुंड दो तो जिस तरीके से भी मेरे बाल आप देख रहे हैं ये यहाँ से थोड़े बड़े नज़र आते हैं और यहाँ से इसके मुकाबले में ये बाल छोटे हैं तो इसके मुकाबले में यहाँ पर बिल्कुल लेट फिरा दी गई है तो ये तो हालांकि मेरे बाल ऐसे कुछ छोटे बड़े हैं तो इसके अंदर क्या मसला होगा शरीयत के मुताबिक से क्या मसला होगा ये इस तरीके के बाल रखना क्या मुनासिब होगा ये हमारे भाई थे जो अपने सर के बालों से मुतिक सवाल कर रहे हैं उन्होंने बाकायदा वीडियो में अपने बाल भी दिखाए की ऐसा है और इन्होंने सोना नबी दाऊद की एक हदीस का भी हवाला दिया है कि आप ससल में एक बच्चे को देखा कि उसके सर का कुछ हिस्सा छील दिया गया था मुड़ दिया गया था और कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया था तो आप सल्लल्लाहु सल्ला ने फरमाया कि या तो इसे पूरा मोड़ दो पूरा छोड़ दो ये क्या कि आधा सर मोड़ दिया और आधा सर छोड़ दिया ये हदीस जगह पर हदीस बिल्कुल सही है कोई मसला नहीं है भाई साहब का पूछना तो उसी हुक्म में, में तो ये है कि आधा मोड़ दिया था आधा छोड़ दिया था और हम जो अपने सर के बाल रखते हैं मोड़ते नहीं है, लेकिन कहीं का बाल बड़ा होता है कहीं का छोटा होता है तो क्या ये भी उसी हदीस के तहत आएगा या तो देखिए इस सिलसिले में मैं आपके सामने वाजहे कर दूं कि हमारे यहाँ कुछ लोग हद दर्जा तशद से काम लेते हुए ये जो हदीस अबू दाऊद की जिसकी तरफ आपने इशारा दिया है इसको हर बंदे पे मुंतबिक कर देते हैं हर वो शख्स जिसके बारे में देखा कि कहीं का बाल छोटा है कहीं का बड़ा है कह दिया कि शरीय के ख़िलाफ़ है इसकी कोई गुंजाइश नहीं हालांकि ऐसा नहीं है असल में इन लोगों ने यह फ़र्ज़ करके रखा है कि सर के बाल कहीं पर भी छोटे बड़े नहीं होने चाहिए बल्कि मैंने अपने कामों से सुन रखा कई लोगों ने तो मेरे सामने कहा कि सर के बाल छोटे बड़े नहीं होने चाहिए सर के बाल बराबर होने चाहिए हालांकि जो हदीस पढ़ी गई है उसमें गंजा टकला करने की बात है पूरा सर के बाल उतारने की बात है आधा उतार दिया आधा छोड़ दिया लेकिन इस हदीस को लेकर यह दावा किया है कुछ लोगों ने कि सर के किसी भी हिस्से के बाल छोटे बड़े नहीं होने चाहिए जबकि ये दावा सही अहादीस की रोशनी में बिल्कुल गलत है चुनाच सनान नबी दाऊद की हदीस का भाई साहब ने हवाला दिया है और सोना नबी दाऊद में इमाम अबू अबूदाउद रहमुल्ल्ला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों से मतलब कई अहादीस नकल किए ख़ुद आब वसल्लम के बालों से मुतिक उन सब का ख़ुलासा ये है कि आब वसल्लम के बालों की तीन शक्लें होती थी आप वसल्लम के बाल इतने बड़े होते थे कि कान की जो लोह है वहाँ तक पहुँच जाते थे या कभी कभी और बड़े होते थे तो आधे कान तक पहुँच जाते थे या कभी कभी और बड़े होते थे तो कंधे तक आधी गर्दन तक या कंधे को छूने लगते थे तो ये उसम के बाल थे कान के करीब पहुंचते थे आधे कान तक तो या और नीचे उतरते थे आप ज़रा तसूर कीजिए कि इस तरह के बाल अगर होंगे तो क्या वो सर के तमाम हिस्से के बाल बराबर हो सकते हैं अगर कानों तक बाल पहुंचते हैं आप अगर यहाँ तक बाल रखें और इसको काट दें तो ये पूरे सर के बाल एक जैसे तो नहीं हो सकते ना ये जो सर का बाल यहाँ कान तक है तो यहाँ से जो बाल है ये छोटा होगा लेकिन यहाँ से जो बाल आएगा वो बड़ा होगा तो ये उसूल फ़र्ज़ कर लेना कि सर के हर हिस्से का बाल यकसा मकदार में यकसा लंबाई का होना चाहिए बिल्कुल गलत है आप की बालों की जो कैफियत अीस में आई हैं वो साफ बताते हैं कि आप वसलम के बाल हर जगह के बाल एक मकदार के नहीं थे आबलम की बालों की कैफियत से मुतल अदीस में जो अल्फाज हैं उनसे साफ पता चलता है कि आप के सर के बाल हर जगह के बाल यकसा मकदार के नहीं थे एक जैसे लंबे नहीं थे अगर आपके जो बाल कंधों तक छू रहे होते हैं कभी यहाँ पीछे के बाल तो ये जो पेशानी के बाल है ये भी उतना ही बड़ा रहा हो यह मुमकिन नहीं है ये नामुमकिन है कि अगर कान तक बाल हो तो आप ये कहें कि यहां से बाल पकड़ के उठाओ उतना उतना ही लंबा यहां से उठाओ वो भी उतना लंबा बीच से उठाओ उतना ये कभी नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता ये इसलिए ये जो लोग बयान करते हैं ना कि सर का बाल बराबर होना चाहिए बिल्कुल गलत बात तो ये बात अलग है और ये जो बात है कि आधा मोड़ देना आधा छोड़ देना ये बिल्कुल अलग बात है तो ये बात आप समझें कि आपसे असलम ने इस बात से मना फरमाया है कि आधा टकला कर दें आधा छोड़ दें और आब उसम का जो अपना तरीका मिलता है वो ये कि आप बाल कई तरह रखते थे कभी बड़े होते थे कभी छोटे होते थे ये जो भाई साहब अपने बालों के तालु से करें वो तो साफ वीडियो में दिखा नहीं मुझे लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बाल रखते हैं कि बीच में कुछ बड़ा होता है कान के करीब उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो मुझे इसमें कोई हारज की बात नहीं दिखती क्योंकि इससे ममानियत की कोई दलील मौजूद नहीं है और बाल हो लिबास का मसला हो पहनने का मसला हो खाने पीने का मसला हो तो इसमें असल क्या है असल इबाहत है उसूल क्या है फोकान ने जो उसूल बयान फरमाया असल फिल इबादत अलहरमा والاسل फिल आदात अल्ला अलबाह कि जो इबादत का मसला है जैसे नमाज पढ़ना है रोज़ा रखना है तो इसमें असल हरमत है यानी बाई डिफॉल्ट सारी चीजें हराम हैं और आप वही कर सकते हैं जिसका आपको सबूत मिला लेकिन जो मामला का मसला है पहनने का मसला है लिबास का मसला है खाने पीने का मसला है इसमें बाई डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें हलाल हैं। बाई डिफ़ॉल्ट सब कुछ हलाल है अगर कोई हराम बोलेगा उसको दलील देना पड़ेगा तो ये कि यहाँ के कान के बाल अगर किसी ने छोटे कर लिए ऊपर किसी ने बड़ा कर लिए इसको बोले हराम है किधर दलील है भाई कौन सी हदीस में क्या हराम है अगर आप ये उसूल पेश करते हैं सर के बाल हर जगह यसा मिकदार में लंबे होने चाहिए तो यसूल गलत है आप ससम की हदीस से, से साबित है कि आप ससम के बाल कहीं छोटे थे कहीं बड़े थे और अगर आप यह हदीस पेश करते हैं कि आप ससम ने आधा मोड़ने से और आधा छोड़ने से मना फरमाया तो बिल्कुल सही है लेकिन यह उस पर सादिग नहीं आती तो सही बात यह है कि अगर कोई आदमी बाकायदा सर के बाल मूड़ देता आधा मूड़ दिया और आधा बिल्कुल जो है अलग शक्ल में दिख रहा है तो ये गलत है इसी तरह हम ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने मूढ़ा नहीं है लेकिन सर का एक हिस्से के बड़े बड़े बाल थे लेकिन एक जगह के बाल छोड़ दिया और दूसरे जगह से थोड़ा थोड़ा उतार दिया बिल्कुल अलग दिख रहा है कोई आदमी उसका सर देखे तो पता चले कि इधर के बाल अलग है इधर के बाल अलग है ये भी गलत है यानी उस पर क्यास कर सकते हैं लेकिन ये कि किसी ने कान पर पड़ने की वजह से उसको हल्का कर लिया कि भाई ये बाल कान में आते थे और खूबसूरती के लिए ऊपर के बाल उसने बाकी रखे सिर्फ कान की वजह से कि यहाँ वो बाल ना आए या गर्दन पे कुछ बाल खत्म कर लिए तो उसको भी यहाँ ला के शामिल कर देना ये मुनासिब बात नहीं है तो हमारी नज़र में जो बात मुनासिब मालूम होती है वो ये कि अगर सर का बाल मूडा जा रहा है आधा आधा छोड़ा जा रहा है ये गलत है या मूडा नहीं जा रहा है काटा जा रहा है लेकिन आधा छोड़ के आधा पूरी तरह से काटा जा रहा है बिल्कुल अलग शक्ल में और बिल्कुल सर के दो हिस्से दिख रहे हैं सर का देखने से सर का दो पार्ट दिख रहा है तो ये चीज भी गलत है इसके अलावा अगर सर के ऊपर हिस्से में बाल रखे जा रहे हैं कहीं से थोड़ा सा कान वान पे पड़ने के बाद काटा जा रहा है उसको छोटा किया जा रहा है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है वो अल्लाह आलम बेसवाब उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल जो वीडियो की शक्ल में उसको देखते हैं असला मेरा नाम नजमु साफिब है और मैं जिला रामपुर मगरबी यूपी से बिलोंग करता हूँ मेरा सवाल यह है कि, कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करना कैसा है भाई का सवाल है कि इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करना कैसा है इसका जवाब दीजिए तो भाई मेरे ख़्याल से इस तरह के सवाल बार बार आते हैं और कई बार आपके सामने बताया गया है कि ये सब सूदी कारोबार है ये सूद पर मबनी कंपनियां हैं इसलिए ऐसी कंपनी में ऐसी जगहों पे कारोबार आपको नहीं करना चाहिए इंश्योरेंस ये सब सूदी मामला है इसलिए ऐसी जगहों पर काम नहीं करना चाहिए वो हदीस भी बार बार आपके सामने पेश की गई है जिसमें आपसे सबने कहा है कि सूद खाने वाला खिलाने वाला ये तो है ही गलत लेकिन जो इन मामला को लिखता है इस पर गवाही देता है वो भी गलत है इसलिए ऐसी किसी भी कंपनी में काम करना जायज़ नहीं है जो सूद पर मबनी हो सूदी कारोबार करती हो और उसमें सूद का लेन देन हो और सूद का रिकॉर्ड रखना पड़ता हो सूद की तफसीलात दर्ज करनी पड़ती हूँ तो ऐसा काम नहीं कर सकते उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा नाजरिन ये वीडियो के शक्ल में कुछ सवाल थे अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सामने आइडियो में कुछ सवाल थे उनको भी देखते हैं देखते हैं पहला सवाल कौन सा है असलम वरहुल्ल मेरा नाम शबाब अली है इंडिया से हूँ मेरा सवाल है कि वालदेन के मेहर उनकी औलाद दे सकती है वद्दे दोनों हयात हों या फिर वालिद फौत हो चुके हों तो क्या मेहर औलाद दे सकती है अलमकम वरह भाई का सवाल यह है कि वालदेन की जो महर है उसको औलाद अदा कर सकती कि नहीं मेहर से शायद इनकी मुराद यही है कि वालदेन की जब शादी हुई थी तो वाल साहब को जो देना था महर शादी के वक्त उसको दिया नहीं बहुत सारी जगहों पे शादी होती है महर बकाया रख देते हैं कि बाद में देना है और वो बाद में देते देते बहुत सारे लोग यहाँ वक्त ही नहीं आता देते कितने लोग मर जाते देते ही नहीं तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि वालि बाहयात है वालदे जिंदा हैं तो उनकी जिंदगी में वो वाल साहब तो नहीं दे सके तो बेटा उनकी तरफ से दे सकता है कि नहीं या ये कि वालिद साहब फौत हो गए तो अब उनकी वफ़ात के बाद बेटा दे सकता है कि नहीं तो देखिए सबसे पहले हयात का मसला देखते हैं अगर वाली साहब ज़िंदा हैं तो भाई इसमें ताखिर करना ये बहुत गलत बात है अगर वाकई किसी वजह से मजबूरी है और तखीर हो गई तो कोई मसला नहीं लेकिन हमारे यहाँ जो एक आम रिवाज बन गया कि शादी होने के बाद एक आदमी के सारे अखराज पूरे होते हैं वो घर में रहता है घर का किराया देता है सुबह शाम का खाना का बंदोबस्त करता है बीवी को कपड़ा दिलाता है सब कुछ देता है महर नहीं देता ये क्या भाई इसको कौन सी मजबूरी कहते हैं ये क्या मसला है समझ से बाहर है लोगों ने क्यों ऐसा अपना के रखा है भाई शादी के वक्त एक औरत एक शौहर के लिए हलाल होती है उस हलाल का एवज है वो मेहर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत अहम चीज़ है उसको अदा करना ज़रूरी है एक आदमी एक औरत से शादी किया जिंदगी भर उसको हलाल करता रहा हलाल समझता रहा उससे इस्तफा करता रहा और मेहर नहीं दिया ये बहुत बड़ा पाप है बहुत बड़ा गुनाह है इसलिए सबसे पहली बात ये कि एक शख्स को उसका महर अदा कर देना चाहिए चलो अगर नहीं किया किसी ने तो हम ये नहीं कहते जायज़ है यानी ऐसे लेट करते जाओ लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं सवाल में है कि लेट कर दिया गया नहीं दिया तो अगर बेटा उनकी तरफ से देना चाहे तो कोई मसला नहीं वो अदा कर दे ये तो ज़िंदगी की बात हुई रही बात ये कि वफात के बाद यानी अब्बा फौत हो चुके हैं अब बेटा चाहता है कि वो महर अदा कर दे तो देखिए वफात के बाद ये मसला आपको मालूम होना चाहिए कि बाप कुछ तरका छोड़ता है और तरके में सबसे पहले उसका कर्ज अदा किया जाता है कर्ज तो अगर मेहर बाकी था शौहर के ज़िम्मा नहीं दिया था गोया कि बीवी का कर्ज़ था उसको देना था तो अभी बेटा कुछ नहीं करेगा बल्कि अब्बा जो माल छोड़ कर गए हैं जो जायदाद छोड़ कर गए हैं ना उसमें जो महर की रकम होती है अगर वो ज़िंदा है उसकी बीवी यानी बच्चों की माँ जिंदा है तो बच्चे क्या करेंगे अब्बा का जो माल है अब्बा के अकाउंट से वो पैसा निकाल के उसको देंगे अब्बा के साथ मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं बल्कि उनका खुद का माल है अपना माल है तो उनका फ़र्ज था देना उनके पास माल भी है आप क्यों दोगे उसको तो उनके माल में से वो पैसा लेके वो अदा कर देंगे बाकी जो बचेगा ना उसका बंटवारा होगा विरासत के उसूलों पर तो वफात के बाद अगर फौत हो गए तो इस्लाम ने ये तरीका बताया कि उसका कर्जा चुकाया जाएगा उसके बाद विरासत का माल तकसीम होगा उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असल वरहत लाला वर्का जी शेख है कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे शेख मेरे एक भाई है उनका एक सवाल था कि उनकी बहन जो है उनको उनके बहनों ही ने तलाक़ दिया था आज के तीन चार साल पहले तो तलाक जो है ना उन्होंने शरीय नहीं दिया था उन्होंने कागज़ के थ्रू कोर्ट के थ्रू दिया था तो अब जो हैं वो रुजू करना चाहते हैं दोनों तो क्या ये तलाक उनका हो गया था अभी दोबारा निकाह करनी पड़ेगी उनको या फिर जो है बिना निकाह के ही वो उनके वहाँ पर जा सकती है तो इनका सरयतन जो है क्या मसला होगा ज़रूर इस पर थोड़ी रोशनी डालें जजाक खैर अस्सलाम वालेकुम वरम् व भाई का सवाल है कि, कि किसी इनके रिश्तेदार हैं इनके कोई साथी हैं उनकी बहन को तलाक दी गई तो तलाक दी हुई काफ़ी अरसा गुजर गया तो कहते हैं कोर्ट के ज़रिए से तलाक़ हुई थी तो तलाक़ हुई कि नहीं हुई और यह औरत अगर दोबारा अपने शौहर के पास जाना चाहे तो क्या बगैर नए निकाय के जा सकती या ऐसे ही जा सकती तो देखिए सबसे पहली बात यह जन में रखें कि तलाक़ चाहे कोर्ट के जरिया हो कहीं से हुआ हो अगर इस्लामी तरीक़े के मुताबिक तलाक़ हुआ है तो हो जाएगा इस्लामी तरीक़े को फॉलो करते हुए तलाक दिया गया अब उसकी कार्रवाई चाहे कोर्ट में हुई हो चाहे बाहर हुई हो कहीं भी हुई हो तो तलाक हो जाएगी तो आपने ये तफसीत नहीं दी हैं कि किन हालतों में तलाक हुई है कैसे हुई है तो जाहिर है कि अगर उन्होंने तलाक बायदा सही तरीके पर दी है तो तलाक उनकी हो चुकी है और जब तलाक हो जाएगी तो इद्दत के बाद औरत शौहर की बीवी नहीं रह जाती है बल्कि आप तो कह रहे हैं कि काफ़ी अरसा गुज़र चुका है इसलिए इतना अरसा गुज़रने के बाद अब ये होना चाहिए कि ये औरत अगर अपने पहले शौहर के पास जाना चाहती है तो नया निकाय करना होगा दोनों को अगर ये जो तलाक हुई है ना वो एक ही तलाक या दूसरी तलाक हुई है अगर इस औरत का तस्करा है इस औरत को बाकायदा तीन तलाक दी जा चुकी यानी तीन अलग अलग वक्त में सुन्नत के मुताबिक तीन अलग तलाक दी जा चुकी है तब तो इसका मामला ख़त्म है ये दोनों कभी नहीं मिल सकते कोई रास्ता नहीं लेकिन अगर एक ही तलाक दी गई हो या दो ही तलाक दी गई हो और अब ये दोनों वापस मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं लेकिन इनको नए सिरे से निकाह करना होगा क्योंकि काफ़ी अरसा गुज़र चुका है और काफ़ी अरसा गुजरने के बाद अब इनको नए सिरे से निकाय करना होगा और मेरे ख्याल से जब इतना अरसा गुजर चुका है तो पहली बार जो तलाक हुई थी उस पर इन्होंने बाकायदा किसी आलिम से फतवा लेके कोई अमल किया होगा तो मसला ये है कि अगर तलाक का कोई केस हुआ और उस केस में किसी आलिम से फतवा लेके उसको अमली शक्ल दे दी गई तो उसका एतबार करना चाहिए यानी बाकायदा एक अमली शक्ल दे दी गई और एक काफी अरसा गुजर चुका तो उसका एतबार करना चाहिए कि भाई एक आलिम के फतवे पे भरोसा करते हुए वैसा उन्होंने किया है तो अगर किसी आलिम से फतवा लेके और आलिम ने उनकी रहनुमाई की कि भाई तुम्हारी तलाक हो चुकी है अलग हो चुकी हो उस फतवे की रोशनी में उन्होंने अगर एक दो साल तीन साल जितना भी है अलग रह रही थी तो अब नए सिरे से अगर उनको मसला मालूम करना है नए सिरे से इस्तेफार करना है तो मसला ये है कि आप अपने पहले शहर के पास जा सकती हैं लेकिन नया निकाह नया मिल फिर से दोनों शादी करें तो एक साथ रह सकते हैं उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा तो नाजरीन ये चंद सवाल थे वीडियो की शकल में और आइडियो की शक्ल में जिनके जवाब आपके सामने रखे गए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास तहरीरी शक्ल में जो सवाल हैं उनको देखते हैं सवाल ये है कि एक औरत ने बगैर निकाह के किसी मर्द से ताल्लुक़ कायम किया उसको हमल हो गया घर वालों को पता चला दोनों की शादी करा दी इस निकाह का क्या हुक्म है सवाल ये पूछा गया है कि एक लड़की ने किसी लड़के से ताल्लुक़ कायम किया दोनों प्यार मोहब्बत जो भी कहते हैं उसमें फंसे और फिर उस चक्कर में दोनों ने जना किया बाकायदा, लड़की और लड़का दोनों मिलके जना किए उस जना के नतीजे में ये लड़की उस लड़के के बच्चे की माँ बन गई उसके पेट में बच्चा ठहर गया उसके पेट में बच्चा ठहर गया बाद में अब लड़की के घर वालों को पता चला तो लड़की के घर वालों ने लड़के से या लड़के के घर वालों से बातचीत करके भाई यह तय किया कि दोनों बच्चों से गलती हो गई है अब क्या करते हैं दोनों की शादी करा देते हैं अब पेट में बच्चा ठहर जाने के बाद इस औरत का निकाह होता है उस लड़के के साथ दोनों शादी करते हैं और ऐसा बहुत होता है हमारे समाज में ऐसी एक दो मिसाल नहीं बहुत सारी मिसालें हैं एक लड़की के साथ जनाकारी की आती है उसके पेट में बच्चा ठहरता है उसके साथ शादी हो जाती है बहुत सारे लोग तो शादी नहीं करते लेकिन बहुत सारे लोग कर लेते हैं भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि ये शादी जायज है कि नहीं तो उसका जवाब है कि ये शादी नाजायज है हराम है इसकी कोई गुंजाइश नहीं क्यों क्योंकि एक लड़की अगर हमल से है तो जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उससे कोई शादी नहीं कर सकता कोई भी औरत हो शादीशुदा औरत हो या जानिया औरत हो जब तक उसके पेट में बच्चा है बच्चा हो नहीं जाता तब तक उस औरत से कोई शादी कर ही नहीं सकता चाहे यह बच्चे वाली औरत किसी भी कंडीशन में किसी भी शक्ल में हो मिसाल के तौर पर एक शक्ल ये हो सकती है कि आदमी की बीवी थी तलाक दे दिया तलाक दिया पेट में बच्चा था तो अब यह औरत तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकती जब तक कि बच्चे की विलादत ना हो जाए विलादत ही उसकी इद्दत है या ऐसे ही एक आदमी की बीवी थी और आदमी मर गया और जब वो मरा तो उसकी बीवी पेट से थी हमल से थी अब उसके मरने के बाद उसकी इस बीवी से कोई शादी नहीं कर सकता जब तक कि इसका बच्चा पैदा ना हो जाए तीसरी शक्ल यह बनती है कि एक औरत ने जनाकारी किया बदकारी किया और बदकारी करने के बाद उसके पेट में बच्चा ठहर गया तो अब इस औरत से भी कोई शादी नहीं कर सकता जब तक कि यह बच्चा जन न दे इस्लामी हुकूमत हो तो, तो मामला ही अलग होगा बात हो रही है कि अगर इस्लामी कानून ना हो तो फिर इस औरत का क्या बनेगा जिसकी शादी नहीं हुई है इस जब तक इसका बच्चा नहीं पैदा होता तब तक कोई शादी नहीं कर सकता इसकी दलील इसकी दलील है सोना अबी दाऊद की हदीस बहुत सारी रवायतें हैं लेकिन मैं एक रवायत आपके सामने रखता हूँ सोना नबी दाऊद की हदीस है हदीस नंबर दो हजार एक सौ अट्ठावन सोनान अबी दाऊत हदीस नंबर दो हजार एक सौ अट्ठावन इसमें रोइफे बिन साबित अलसारी रजिया लाउन हदीस के रावी हैं कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु लिमरिन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन यस्की माहु जरअ गैरिही कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसके लिए जायज़ नहीं है अयस्किया माहू कि अपना पानी इस्तेमाल करे जर आ ही किसी और की खेती में और आगे रावी कहते हैं हबाला मुराद ये है कि जो हामिला औरतें उनके साथ हम बिस्तरी करना तो अगर औरत हमल से है तो वो किसी और का मसला है किसी और का बच्चा है यानी उस औरत का रहम एक खेत है उस खेत में किसी और की पैदावार हो रही है अब इस बीच में कोई दूसरा उस औरत के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता ये इस हदीस में है इस हदीस का मतलब ये है। जैसा कि रावी हदीस ने आगे वजाहत कर दिया इतियान इतिाना यानी जो हमला औरतें हैं उनके साथ हम बिस्तरी नहीं हो सकती उनसे शादी नहीं हो सकती तो ये जहन में रख लें कि एक औरत जब तक हमल से है तब तक उसकी शादी नहीं हो सकती इसलिए जो औरतें भी ये गलत काम करती हैं बहुत सारी लड़कियां हैं वो दीन का मसला नहीं जानती बहुत सारी लड़कियां वो इतना एतमाद रखती हैं लड़के पे कि अगर कुछ मसला हुआ बच्चा हुआ हम शादी कर लेंगे लेकिन इन बेवकूफ़ औरतों को कौन बताए कि अगर बच्चा ठहर गया तो शादी करना हरा में नाजायज है जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता और सिर्फ मसला ये नहीं है ये शादी नहीं कर सकते मसला ये भी है कि ये जो बच्चा होगा पैदा होगा ये बच्चा नाजायज़ बच्चा शुमार होगा अगर लोगों से मामला छुपा के शादी कर भी लिया इन लोगों ने गैरसरय शादी है जो बच्चा पैदा होगा वो नाजायज शुमार होगा और सिर्फ नाजायज शुमार नहीं होगा बल्कि जब कल को ये आदमी मरेगा तो उसकी जायदाद में इसका हिस्सा भी नहीं बनेगा चुनाची एक रवायत है सुल तरमि की हदीस सम हजार एक सौ तेरह अल्लाह के रसुल्लि सा फरमाते हैं किय आरा कि जिस शख्स ने भी किसी आजाद या लौंडी औरत के साथ जेना किया फल वाला दो वाला दो जना ला यरिस तो जो बच्चा पैदा होगा वो जेना का बच्चा होगा नाजायज बच्चा होगा ये बच्चा ला ना तो गया गया। या वारिस होगा वाला यूरस ना इसका तो कोई वारिस होगा यानी नाजायज तो तरीके से जो बच्चा पैदा हुआ ये बच्चा उसका वारिस नहीं होगा जिसका वो खून है हालांकि उसका खून है लेकिन वारिस नहीं होगा क्योंकि नसब साबित नहीं होगा इसी तरह ये बच्चा भी अगर मर जाए यानी बड़ा होकर कमा के बहुत सारी जायदाद बना के मर जाए तो इसकी प्रॉपर्टी में इसका जो बाप है नाजायज बाप है वो हिस्सा नहीं पा सकता है। तो ऐसे बच्चे असल में माँ से जोड़े जाते हैं बाप से नहीं माँ के बच्चे चले जाते हैं और माँ अगर मर गई उसके पास कुछ है तो हिस्सा भी मिलता है जैसा कैसे बुखारी वगैरह की रिवायत में लेन का मसला है कि आप ससम ने जो लेआन कराया था मियाँ बीवी में तो फिर उन दोनों को अलग कर दिया था वहाँ मसला यही था कि जना की तो लगी थी तो जब मियाँ बीवी को अलग किया तो बच्चे को शौहर के हवाले नहीं किया न ये कहा कि बच्चा शौहर का होगा बल्कि माँ को दे दिया और कहा ये बच्चा माँ का होगा इसी की तरह मंसूब होगा इसका बेटा माना जाएगा और विरासत का मसला भी उसी के साथ जुड़ेगा लेकिन बाप के साथ नहीं तो ये दो चीज़ें हैं जो औरतें भी इस तरह का काम करती हैं वो ध्यान रखें और जो माँ बाप अपनी लड़कियों की शादियाँ इस तरह कराते हैं ऐसे केसेस में वो भी अच्छी तरह से जहन में रख लें दो बातें जहन में रख लें एक बात ये कि ऐसी शादी जायज़ नहीं है अगर लड़की हमला गई तो उस लड़के से शादी नहीं कर सकती अगर सिर्फ जना किया होता बच्चा नहीं होता पेट में फिर तौबा वोबा करके शादी करते कोई मसला नहीं शादी कर सकते थे लेकिन अभी वो पेट में बच्चा आ गया अभी शादी नहीं कर सकते हाँ बच्चा बाहर आएगा बच्चा पैदा होगा फिर ये तोबा करेगी उससे शादी कर सकते लेकिन जब तक पेट में बच्चा है शादी नहीं तो ये पहली चीज़ कि अगर पेट में बच्चा ठहर गया शादी नहीं कर सकते दूसरी बात यह कि ये बच्चा विरासत से कट जाता है अपने इस बाप का जो कि हकीकी बाप तो नहीं है लेकिन उसका खून है उसके माल में ये वारिस नहीं होता ना इस बच्चे के माल में उसका बाप वारिस होता है तो बहरहाल जो असल सवाल है मैंने सारी चीज़ों की वजह आपके सामने रख दी है कि ऐसी शादी नहीं हो सकती ऐसी शादी नाजायज़ और हराम है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा नाजरीन आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर आपके सामने वाजे कर दें कि आप कहीं से भी हम तक अपने सवाल भेज सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसको आप नोट फरमा लें और इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं आप चाहें तो वीडियो की शक्ल में अपने सवाल भेजें आप चाहें तो ऑडियो में अपने सवाल रिकॉर्ड कर लें और हम तक भेज दें या आप चाहें तो तहरीरी शक्ल में अपने सवाल हमको भेजें अलबत्त खुवान से हमारी गुजारिश होगी कि वो तो तहरीरी शक्ल ही में अपने सवाल भेजें या अपने किसी मेल रिश्तेदार से सवाल को वीडियो या ऑडियो में रिकॉर्ड करके हम तक भेजें हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ ये भी वाजह रहे कि सवाल पूछते वक्त सवाल के जो आदाब है उसका भी पासो लिहाज रखें मसला ये कि आपका सवाल बा मकसद हो उसका कोई मतलब हो उसकी ज़रूरत हो लायानी सवाल फ़र्जी सवाल जिसकी कोई ज़रूरत नहीं वो सवालत हमारे पास ना भेजें हम ऐसे सवाल को इग्नोर कर देते हैं उनके जवाब नहीं देते हैं दूसरी बात यह कि सवाल आपका बहुत ही मुख्तसर हो बहुत लंबा ना हो अगर बहुत लंबा है एक सवाल में दसों सवाल आपने डाल दिए हैं तो हम ऐसे सवालत को भी इग्नोर कर देते हैं उनके जवाब नहीं देते हैं और तीसरी चीज ये कि सवाल पूछते हुए आप शुरू में या आखिर में अपना नाम बताएं और जहाँ से आप सवाल पूछ रहे हैं उस इलाके का नाम बताएं इन चीज़ों का ख्याल करते हुए आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में उनके जो सही जवाब हैं वो आप तक पहुँचाएं तो आइए नाजरीन आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो और मजीद सवाल हैं उनको देखते हैं सवाल ये है कि अगर कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद उसमें कोई ऐब जाहिर हो गया तो उसकी कुर्बानी होगी या नहीं होगी तो देखिए अगर जानवर ख़रीदने से पहले उसमें कोई ऐब है और वो ऐब जो हदीस में बताया गया है कि उसकी कुर्बानी नहीं होगी यानी वो चार ओब हैं जो कुर्बानी से माने होते हैं तो उन चार में से कोई ऐब आपको दिख रहा है जानवर खरीदने से पहले फिर भी आपने ख़रीद लिया आपकी कुर्बानी नहीं होगी लेकिन अगर आपने मार्केट से बकरा उठाया सही सालिम अपने घर पे लाए अब कुर्बानी में एक दो दिन बचा था और उसकी आँख फूट गई आँख में ऐब हो गया इसका पाव टूट गया कुछ हो गया तो अब उसको बदलने की जरूरत नहीं है अब इन ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी क्योंकि इस बारे में इमाम बकीकी रहमल्ला ने एक रवायत नकल की है सही रवायत है उसमें यह है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ने एक जानवर को देखा जिसमें ऐब आ गया था तो उसे देखकर अब्दुल्ल अबिन जुबैर रजरों ने कहा कि अगर तुम जानवर को खरीदते वक्त उसमें कोई ऐब देखते हो और ऐसे खरीद लेते हो तो उसकी कुर्बानी नहीं करना लेकिन अगर तुमने जानवर ख़रीद लिया है उसे मुंतब कर लिया है तय कर लिया कुर्बानी के लिए और उसके बाद कोई ऐब दिखता है तो उसकी कुर्बानी कर सकते हो तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज के इस असर से मालूम हुआ कि इन शानवर लेने के बाद कोई ऐब आता है तो हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर लिया ऐब बाद में नमोदार हुआ तो हम उसकी कुरबानी कर सकते हैं इन श्ला उसमें कोई हरज की बात नहीं है अलबत् अगर कोई शख्स कमाल के लिए और बेहतर जानवर की कुर्बानी के लिए उसको चेंज करना चाहे अल्लाह ने उसको इतनी वसात दी है तो चेंज कर ले कोई मसला नहीं बदलना चाहता है वो बदल दे कोई मसला नहीं लेकिन अगर कोई नहीं बदलता है ख़ास तौर से एक गरीब आदमी बेचारा जो किसी तरह से लेकर आया था और उसके लिए तो बहुत बड़ा मसला है तो उसके लिए ये वाजिब नहीं है ज़रूरी नहीं है उसको बदलना वो उसी जानवर की क़ुरबानी कर सकता है और इन ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल थोड़ा सा लंबा है मैं उसका खुलासा बताता हूँ ख़ुलासा उसका यह है कि एक साहब भाड़े के मकान में रहते हैं कहते हैं कि मालिक मकान भाड़ा माफ़ करना तो दूर की बात एक ही तारीख को भाड़ा मांग रहा है यानी इस लॉकडाउन की वजह से जिस घर में रह रहे हैं उस घर के मालिक ने इनसे किराए का मतालबा किया है और और पहली तारीख जो महीने की पहली तारीख होती है उसी वक्त वो भाड़ा मांग रहा है तो कहते हैं क्या सूद का पैसा दे सकता हूँ ये इनका पूछना है असल पूछना यह मकसद है कि चूँकि पैसा नहीं है मालिक मकान मांग रहा है और ऐसा कोई बैलेंस नहीं है सूद का पैसा है वो उठा के दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ तो देखिए यहाँ पर दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा एक बात किराएदार के तलुक़ से और एक बात मालिक मकान के तल्लु से मालिक मकान हजरात अगर मुसलमान हैं इस्लाम को मानने वाले हैं शरीयत को मानने वाले हैं तो उनके हवाले से मैं एक हदीस को पेश करूंगा और उस हदीस की रोशनी में फैसला करें कि इन हालात में लॉकडाउन में किराएदार के साथ क्या सलूक करना चाहिए देखिए एक रवायत है सनंदारमी की हदीस नंबर दो हज़ार पाँच सौ उसमें अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं कि तलक कतिल मला एक रू आप ससन फरमाते हैं कि तुमसे पहले लोगों में से किसी शख्स की रूह को फरिश्तों ने कब्ज किया यानी एक शख्स का इंतकाल हुआ फ़काल तो उसके इंतकाल के बाद उससे पूछते हैं क्या तुमने दुनिया में कोई भला काम किया कोई अच्छा काम किया दुनिया में फकाल कहता नहीं आप गौर करें एक आदमी फौत हो रहा है इंतकाल हो रहा है और उससे पूछा जा रहा है क्या तुमने कोई अच्छा काम किया कहता है कि नहीं तो फरिश्ते क्या कहते हैं कालू तजक कर फरिश्ते कहते हैं याद करो ध्यान दो कोई अच्छा काम तुमने किया होगा तो क्या कहता है वो कहता है तो नासा। कि मैं लोगों से कारोबार करता था तो उनको कर्ज देता था यानी कोई चीज देकर और पैसा फौरन नहीं लेता था बल्कि उधार रख देता था यानी लोगों को कर्ज दिया करता था उसके बाद क्या होता था कहता है फ आमर फित वही तजा वजु अनिल कहता था कि मैं अपने नौकर चाकर को हुक्म देता था कि भाई जो परेशान हाल है जो पैसा नहीं दे सकता है उसको माफ कर दो जाने दो तो कह रहा है कि मैंने बस यही एक काम अच्छा किया है और मुझे नहीं लगता कि मैंने दुनिया में कोई और अच्छा काम किया है खाल अल्लाह तो अल्लाह फरमाता तजा वजु अनू इस शख्स को भी माफ कर दो यानी एक ऐसा शख्स जो अल्लाह के पास गया कोई लेकर नहीं कोई अच्छा काम नहीं किया कोई भला काम नहीं किया सिर्फ इतना काम किया था कि जो लोग उसके कर्जे बाकी थे उसमें जो कमजोर थे नहीं दे सकते थे उनको माफ कर दिया अल्लाह ने सिर्फ उसकी इसी नेकी पर उसे बख्श दिया यह हदीस सही सही मुस्लिम में भी है हज़ार पांच सौ एकसठ उसमें है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसी हदीस से मिलती जुलती बात है कि हुसिब कहा कि तुमसे पहले लोगों में से एक आदमी का हिसाब किताब हुआ फलम यू जद लहू मीन खई रिश जब उसका हिसाब हो रहा था तो उसके आमाल में यानी जिंदगी भर में उसकी कोई नेकी नहीं थी एक आदमी पैदा हुआ मर गया कुछ किया ही नहीं कोई नेकी ने नहीं किया क्या है? यूजद उस के अंदर कोई नहीं थी। इल्ला काने लेकिन वो लोगों के साथ कारोबार करता था और यह अनिल ग और वो हुक्म देता था अपने नौकर चाकर को कि जो परेशान हाल हैं उनको माफ़ कर दो बख्श दो कहते हैं खाल न बेदालिकमीन हो तजावजुअ का ये बहुत सारे लोगों को माफ़ करते फिरता था ये तो छोटी सी मखलूक है हम तो खालिक हैं मैं तो ज़्यादा हक़ रखता हूँ कि मैं बंदों को माफ़ कर दूँ अल्लाह कहता है इसको माफ़ कर दो इसने दुनिया में लोगों को माफ़ किया कर्जा माफ़ किया पैसा माफ़ किया आज इसे माफ़ कर दो मेरा हक़ हाँ बनता कि मैं इसको माफ़ कर दूँ अल्लाह उसे माफ़ कर देता है तो ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह रब्लम ने एक शख्स जिसकी कोई नहीं की नहीं थी दुनिया में कुछ नहीं किया था सिर्फ एक काम किया था कर्जा माफ कर दिया था अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को इतनी अहमियत दी कि उसकी वजह से उसकी बख्शिश कर दी तो इस हदीस की रोशनी में जो मुसलमान मालिक मकान है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप मुसलमान इस्लाम को मानने वाले हैं आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप अगर माफ नहीं कर सकते तो कम से कम मोहलत तो दें कम से कम उसको मौका तो दें अगर आप उसको मौका देंगे मोहलत देंगे हो सकता है और अगर माफ़ कर दें आपका दिल बढ़ाओ तो हो सकता है कि यही आपकी नेकी सिर्फ ये वाहिद नेकी आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए तो ये एक बात मुझे कहनी है मालिक मकान लोगों से और दूसरी बात जो किराएदार ने पूछा है कि जब मालिक मकान सर पे सवार पैसा मांग रहा है तो क्या मैं सूद की रकम दे सकता हूं इसका जवाब है कि आप नहीं दे सकते आप सूद की रकम नहीं दे सकते सूद की रकम ये हराम है और जब आपकी जान जा रही हो आप मर रहे हो वहीं पर एक उलमा ने गुंजाइश दी है कि सूद खा सकता है वहाँ पर तो शुअर खा सकता है जो चाय खा सकता है जान बचाने के लिए जब वो मर रहा हो तो जान बचाने के लिए जो चाय खा सकता है उतना खा सकता है जितने से जान बच सके लेकिन ये किराया अदा करना ये कोई ऐसा मसला नहीं है इसलिए यहाँ पर सूद की गुंजाइश नहीं है आप किराया उसको दें कोई भी बंदोबस्त करके बंदोबस्त नहीं है तो आप घर को चेंज करने की कोशिश करें कुछ नहीं कर सकते आप पुलिस के पास जाएं कंप्लेन करें मुझे लगता है पुलिस भी आपकी मदद करेगी और ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इन हालात में आपको जबरदस्ती घर से निकाल रहा है और आपसे पैसा मांग रहा है उम्मीद है कि आपको जॉब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है कि हमारे वालिद घर पर हमें नमाज पढ़ाते हैं सब खवातीन हैं तो क्या खवातीन तकबीर कह सकती हैं सवाल में शायद ये पूछा जा रहा है कि घर पर जो जमात हो रही है तो उस जमात में कोई एक ही मर्द है शायद किसी की सिर्फ बेटियां हैं और उसकी बीवी है उसका बच्चा नहीं है और वो अकेला आदमी है बच्चों का जो बाप है औरत का शोहर तो एक अकेला आदमी अगर ऐसे लोगों को जमात लेकर जमात के साथ नमाज पढ़ा रहा है तो तकबीर कौन कहेगा वो तो इमाम में तकबीर कौन कहेगा तो ये पूछना चाहते हैं कि औरतें तकबीर कह सकती कि नहीं तो देखिए इस बारे में एक बात जहन में रखें कि औरतों पर अज़ान और एकामत नहीं है मुसनफ इब्नबी शैबा की सही सनत रवायत है कि अनस रज़िला से पूछा गया हल अल अजान कि क्या औरतों पर अजान और एकामत है ख़ाल तो उन्होंने कहा नहीं औरतों पर अजान अकामत नहीं है यानी अजान कहना और एकामत कहना ये औरतों पर फ़र्ज वाजिब नहीं है अलबा कुछ ने गंजाइश दी है उस तल्क को कुछ रवायतें भी मिलती हैं जिनकी सेहत मुख्तलफ़ी है अम्मा आयशा रज़ी वगैरह से कुछ रवायतें भी मिलती हैं तो कुछ ने कहा है कि बेशक औरतों पर एकामत अज़ान फ़र्ज़ नहीं है लेकिन अगर औरतें सिर्फ़ ख़वा हैं सिर्फ़ ख़वा घर पे जमात कर रही हैं उसमें कोई मर्द नहीं है वो अगर पस्त आवाज़ में अजान देना चाहे, और पस्त आवाज़ में तकबीर कह के यानी वही आपस में सुने कोई और ना सुने तो तकबीर कह के, के अगर वो जमात करना चाहती हैं तो कोई हरज की बात नहीं लेकिन ये सारी बातें यह सारी बहस तब है जब जमात में सिर्फ़ ख़ीन हों लेकिन यहाँ जो सवाल किया गया वो ये कि जो इमाम है वो मर्द है बाकी सब खवातीन है तो इस केस में तो ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है कि कोई औरत एकामत कहे बल्कि जो इमाम है वही एकामत कहेगा वही अजान कहेगा वही इमामत करेगा सब कुछ वही करेगा और बाकी औरतें उसके पीछे उसको फॉलो करेंगी उसके साथ नमाज़ पढ़ेंगी लेकिन औरतें एकामत नहीं कह सकती इसलिए कि जो रवायतें मिलती हैं अजान और अजानत की या तो सिर्फ मर्द की मिलती हैं या कुछ जो आसार मिलते हैं वो सिर्फ औरतों के तालुक़ से मिलते हैं कि औरत औरत का मसला है लेकिन ये शक्ल कि इमाम मर्द हो मुफ़ी खवातीन हो इस शक्ल में एक कोई औरत कहे इस ताल्लुक़ से कोई रवायत नहीं मिलती है इसलिए यह चीज़ दुरुस्त नहीं है उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है अल्लाम वरह वा क्या बच्चे की रफ़ हाजत धुलने से वजू टूट जाता है वालेकाम वरहल वरक ये सवाल यह है कि क्या छोटा बच्चा है उसकी गंदगी साफ़ करते हुए पेशाब का खाना धुलते हुए क्या वज़ू टूट जाता है जवाब यह कि वजू नहीं टूटता किसी बच्चे की गंदगी धुलना यह नवाक़ी वजू में से नहीं है वजू टूटने में से नहीं है बच्चे की गंदगी धुलना या बाहर कोई निकल रहा था और कीचड़ पड़ गया उसके कपड़े पर उसके पाँव पे कोई गंदगी लग गई और बाद में आके उसको धुल लिया इन सारी चीज़ों से उसका वजू नहीं टूटता यह नवाक़ी वजू में से नहीं है आदमी के ख़ुद का मसला है उसने पेशाब किया और उसने पैखाना किया तो वज़ू टूटता है उसको धुले या ना धुले वजू टूट गया उसका लेकिन छोटे बच्चों का पेशाब पैखाना धुलने से वजू नहीं टूटता चाहे आदमी धुले चाहे और धुले उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा अगला सवाल है क्या कुर्बानी का जानवर सिर्फ़ बसमिल्ला अकबर के, के ज़बा किया जा सकता है तो देखिए कुर्बानी का जानवर ब करने से के कई तरह के सेगे हैं कई तरह के, के अल्फाज हैं इन अल्फाज में बिस्मिल्लाह अल्लाह बिसमिल्लाकबर भी एक सेगा है तो अगर कोई शख्स सिर्फ बिस्मिल्लाह बिसमिल्ला अकबर कह के जानवर ब करना चाहता है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है सही मुस्लिम की एक रवायत है हदीस नंबर एक हजार नौ सौ छाछठ उसमें सिर्फ इसी बात का तस्करा मिलता है कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह कर जानवर ज़बा करना तो ये भी साबित है अल्लाह के नबी नबीसम से कि बिस्मिल्लाह कह कर और अकबर इतने अल्फाज कह के आप जानवर ज़बाँ कर सकते हैं कोई मसला नहीं वो जो लंबी सी दुआ है इन्नी वाली उस दुआ को भी पढ़ना साबित है वो भी साबित है इसमें कोई हर्ज की बात नहीं लेकिन अगर किसी को दुआ याद ना हो या याद हो ना पढ़ना चाहे सिर्फ इसी पे इक्तफा करना चाहे तो ये भी जायज़ है इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है इसलिए जिन लोगों को पूरी दुआ याद ना हो वो जानवर ज़बा कर सकते हों तो वो सिर्फ इस वजह से पीछे ना हटें कि हमें दुआ याद नहीं है और उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें कि, कि किसी मौलवी को ढूंढें पकड़ के लाएं जिसको दुआ याद हो या कुछ लोग बाकायदा कागज़ वगैरह पे लिख के बड़े तकल्लुफ़ के साथ उसको पढ़ते हैं और जानवर को लेटा के बेचारा तड़प रहा है जानवर और ये बैठ के दुआ पढ़ रहे हैं तो इस तरह से करने से बेहतर ये है कि आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के, के उसको ज़बा कर दें कोई मसला नहीं तो ख़ुला है कि सिर्फ़ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जानवर ज़बा किया सकता है इसमें कोई हर्ज की बात नहीं उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं एक और सवाल है कहते हैं शेख मेरा सवाल ये है कि क्या कोई शख्स इंतहाई नागजीर हालात की बिना पर बैंक से लोन कर्ज़ ले सकता है अगर नहीं तो उसके मुतबाद क्या हो सकता है इन इदारे या ट्रस्टों की रहनुमाई फरमाएँ जिनसे बगैर ज्यादती के एक मुताना मदत तक के लिए कर्ज़ मिल सके ये एक भाई हैं पूर्णिया बिहार से ये कह रहे हैं कि क्या किसी मजबूरी की से बैंक से लोन ले सकते हैं कि नहीं भाई कोई भी ऐसी आम मजबूरी नहीं है जिसके बिना पर यह गुंजाइश दी जाए कि बैंक से आप लोन ले सकते हैं सवाए इसके कि आप मर रहे हों बार बार ये बात कही जाती है कि आपका ऑपरेशन होने वाला हो आप मरने वाले हो कोई पैसा नहीं दे रहा है इस केस में अगर कहीं सूद पे आपको पैसा मिल सकता है आप जान बचाना है आपको तो आप ले सकते हैं इसके अलावा नहीं यानी मसला यही कि जान बचाने का मसला हो तो कोई भी चीज जायज हो जाती है उसके अलावा कोई दूसरी मुसीबत हो तो उसको खत्म करने के लिए बैंक से सूद पे कर्ज या लोन लेना जायज नहीं है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है अच्छा अब आगे आपने सवाल ये किया है कि अगर नहीं तो इसके मुतबाद क्या हो सकता है यानी इसकी जगह और क्या हो सकता है इसकी जगह यह हो सकता है कि आप ऐसे अफराद को तलाश करें जो बगैर सूद के कर्ज आपको दे सकते हैं उनको तलाश करें आप अगर वो भी आपको नहीं मिलते हैं तो आप अपनी तकदीर पर सब्र करें अल्लाह ने आपको जिस हाल में रखा है सब्र करें साव कराम ने फाक़े किए हैं दो दो दिन एक एक हफ्ता खाना नहीं खाएँ हमारे मुद्दसन के साथ भी ऐसा हो ये सब हमको आपको सबको करना पड़ेगा लेकिन हमारी ये मुसीबतें इस बात के लिए जवाज़ नहीं फरहम करती कि हम ये लोन वगैरह जाके ले सकते हैं आप पूछ रहे हैं कि ऐसे इदारे ट्रस्ट के रनाय फरमाए जो ऐसा देते हो भाई मेरी मालूम में तो नहीं है कोई ऐसे इदारे या ऐसा ट्रस्ट जो आपको दे सके अबतः इतना कह सकता हूँ कि आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाक़े में कोई मस्जिद है उसकी जो कमेटी है या वहाँ पर कोई जमीयत जमात की कोई ऑफिस है वहाँ पर आप जाएँ वहाँ पर भी अपना मसला रख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कर्ज देते हैं तो ऐसे लोगों के सामने अपना मसला रखें हो सकता है कि वो आपका मसला हल करें और असल में बैतलम होना चाहिए इस मसले का हल ये है बैतलमाल बैतलम हर इलाके में होना चाहिए जो लोगों को कर्ज दे जो वाकई परेशान हाल हो उनको कर्ज दे बगैर सूद पे तो आपके इलाके में अगर कोई बैतुलमाल है तो वहाँ से भी आप रब्ता कर सकते हैं लेकिन जाहिर है कि मैं ऐसे किसी बैतुलमाल या किसी इदारे का पता आपको नहीं बता पाऊँगा मेरे लिए में ऐसा कुछ नहीं है आप अपने तौर से और दूसरे लोगों से रबता करके मालूम करें वहाँ से कर्ज लेने की कोशिश करें लेकिन बैंक की तरफ ना जाए इसके लिए कोई जवाब नहीं है उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा नाजरन इन्हीं सवाल पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और आखिर में फिर आपके सामने वाज़े करें कि अगर आप भी हमसे अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो इस्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें और इस नंबर पर अपने सवाल वीडियो में या आइडियो में या तहरीरी शक्ल में आप हमको भेज सकते हैं याद रहे कि आपका सवाल बामकसद हो मख्तसर हो कम से कम अल्फाज में हो और सवाल पूछते हुए शुरू में या आखिर में अपना नाम और अपना पता जहाँ से आप सवाल पूछ रहे हैं उस जगह का नाम बताने की कोशिश करें इन हम आपके सवाल के जवाब आपके सामने पेश करेंगे इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए असल वरहमे वरक ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें